हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग T20 मुकाबले की, जो कि दोस्तों येमकाला CS बनाम GT के बीच दोस्तों येमकाला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ, लास्ट में आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, कोलंबो स्टार से प्रथम ने शंका, बाबर आजम, लवरी उदाना, निपुल, मोहम्मद नवाज, अफ्तिकार अहमद, सी करुणार्थी जो कि दोस्तों कैप्टन है कोलंबो स्टार्स के, एन फर्नांडो, जे वेंडरसे, नसीम शाह एंड एम पति राणा। दोस्तों, आप भी प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि कोलंबो स्टार्स की प्लेइंग 11 है। बात करूँ फ्रेंड्स कैलेट टाइटंस की प्लेइंग 11 की, वानकर राजपक, टिम सेफर्ड, चार्ड बॉस, साकेब अलहसन, दसवन सनका, सोहन डी लिब्रा, एस परसना, कसूर रजीथा, लवरी कुमरा एंड एल सावरकून, तबले शमसी। दोस्तों, आप भी प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि गैलेट टाइटंस की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट रन बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों येमकाला जो कि 15 अगस्त ट्यूजडे को शाम को 7:30 बजे से आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में दोस्तों येमकाला खेला जाएगा। बात करूँ फ्रेंड्स आएंगे पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों आपको बता दूँ बॉलर्स के लिए ये पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच हुआ, एंड 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करूँ स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो टोटल मैच जो कि 36 खेले गए हैं। बैटिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर 17 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर 18 मुकाबले विन किए हैं फ्रेंड्स। परसेंटेज की बात करूँ, बैटिंग फर्स्ट वन 47% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 50%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 157 रहा है, एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 138 रहा है फ्रेंड्स। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो दोस्तों 215 पाँच विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट टोटल 80 रन 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट चेज जो स्कोर हुआ है दोस्तों 215 पाँच विकेट के साथ हुआ है, एंड लोवेस्ट टोटल 115 रन 6 विकेट के साथ। मैच पूरी की बात करूँ, उससे पहले बता दूँ दोस्तों इस मैच में 5000 रुपये का फ्री गिवअवे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोसो 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूँ कोलंबो स्टार जो कि गुड फॉर्म में, रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। फिर टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पोसो 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है गैलेट टाइटंस टॉस जीत सकते हैं, पहले दोस्तों बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, एम पतरानो को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड बाबर आजम को एज ए कैप्टन आपकी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। बात करूँ एट टू वन मुकाबले की, तो दोस्तों कोलंबो स्टार जो कि एक एट टू वन मुकाबला विन किया है, एंड GT जो कि एक भी एट टू वन मुकाबला विन नहीं किया है। लाइव टेलीकास्ट दोस्तों आप फैन कोड पर देख सकते हो। बात करूँ पॉइंट टेबल की, तो दोस्तों GT जो कि चौथे स्थान पर है 7 मुकाबले में से 3 मुकाबला विन किया है, एंड दोस्तों CS जो कि 5वें स्थान पर है ये भी 7 मुकाबले में से 3 मुकाबला विन किया है फ्रेंड्स। बात करूँ फैंटेसी टिप्स की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए, एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराए उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर चेक कर सकते हो। विकेट कीपर में टिम सेफर्ड आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। पिच जो कि दोस्तों पेसर्स और स्पिनर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलने वाली है। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ दोस्तों, कोलंबो स्टार ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ दोस्तों गैलेट टाइटंस टीम से, तो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर कोलंबो स्टार्स के पिक कर सकते हैं। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि कोलंबो स्टार्स के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर चेक करिए, प्रथम निशंका, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, अफ्तिकार अहमद, सी करुणार्थी, एन फर्नांडो, नसीम शाह एंड एम पति राणा। दोस्तों आप ही मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि कोलंबो स्टार्स के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर चेक करिए। बात करूँ फैंस मुख्य खिलाड़ी जो कि गैलेट टाइटंस के हैं जिनको अपनी टीम में जरूर चेक कर सकते हो, वानकर राजपक, टिम सेफर्ड, साकेब अलहसन, दसवन सनका, कसूर रजीथा, एन सावरकून एंड तबले शमसी। दोस्तों आप खिलाड़ी देख सकते हो जो कि गैलेट टाइटंस के मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर चेक करिए। बात करूँ वैस कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों प्रथम निशंका को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, एंड बाबर आजम को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर चेक करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फैंस। एम पतराना एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई करिए, एंड टिम सेफर्ड को एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ मैं, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। बात करूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों आपको बता दूँ विकेट कीपर में मैंने अपनी ग्रैंड लीग टीम में जो कि टिम सेफर्ड को सिलेक्ट किया है, बैट्समैन में वानकर राजपक, पेनिशंका, बाबर आजम,
एंड सीवास को दोस्तों सेलेक्ट किया है। ऑलराउंडर मैंने दोस्तों मोहम्मद नवाज, दर्शन सन का एंड साकिब अल हसन को सिलेक्ट किया है। बॉलर में नसीम शाह, केजर रीता एंड एल कुमारा को दोस्तों सेलेक्ट किया अपनी फैंटेसी टीम में कैप्टन। वाइस कैप्टन की बात करूँ अपनी ग्रैंड लीग टीम में तो दोस्तों कैप्टन जो कि दर्शन सनका को बनाया है अपनी ग्रैंड लीग टीम में। वाइस कैप्टन सीवास को दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन बनाया। फ्रेंड्स बात करूँ फ्रेंड्स अपनी स्मॉल लीग टीम की तो दोस्तों आपको बता दूँ विकेट कीपर में टेब सैफर्ट को सिलेक्ट किया है एंड बैट्समैन में जो कि दोस्तों वानखा राजपक्ष को सिलेक्ट किया है और दोस्तों पीनेसर का एंड बाबर आजम को सिलेक्ट किया है। ऑलराउंडर में दोस्तों मोहम्मद नवाज, शिखर वाड़े, दर्शन सन का एंड साकिब अल हसन को सिलेक्ट किया है। बॉलर में नसीम शाह, एम पतिराना एंड के रजिता को दोस्तों सेलेक्ट किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ मैं, इस कैप्टन जो कि बाबर आजम को बनाया है अपनी स्मॉल लीग टीम में एंड वाइस कैप्टन एम पतिराना को अपनी स्मॉल लीग टीम में बनाया है। फ्रेंड्स जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक बार ऐसा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फ्रेंड्स की टीम पर एक चलाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो नोटिफिकेशन के आपको सबसे पहले पहुँचे। ओजो 11 चैनल की तरफ से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।